21 सितंबर 1980 को मुंबई में जन्मी करीना कपूर खान, जो कि कपूर परिवार की बहुत ही लाडली लड़की हैं और जिन्होंने अपने करियर में 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है और महज 41 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें ली हैं। जी हां दोस्तों, करीना कपूर ने इंडस्ट्री में न जाने कितनी सारी सुपरहिट्स फिल्में दी हैं, जिनमें हीरोइन कभी खुशी कभी गम, थ्री इडियट्स, लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्में शामिल हैं। आपको बता दें कि अब मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में करीना कपूर खान का निधन हो चुका है, इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि करीना कपूर खान कोविड पॉजिटिव हुई थी, जिसके बाद ये इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आई कि वो थर्ड टाइम प्रेग्नेंट भी हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और वहीं से उनके निधन की खबरें वायरल हुई। कहा जा रहा है कि मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में करीना कपूर खान ने अपनी अंतिम सांसें ली हैं, पर इसके बारे में अभी तक किसी भी बड़े एक्टर या फिर उनके परिवार के किसी भी अन्य सदस्य ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि क्या सचमुच उनकी तबीयत भी खराब हुई है या फिर उनके तबीयत और उनके निधन की खबरें महज अफवाहों के तहत ही फैलाई जा रही हैं। हमारे इस वीडियो का बनाने का असली मकसद यही है। अगर आपने भी इस तरीके की किसी भी जानकारी को देखा या सुना है तो उस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। अगर आप भी करीना कपूर खान को पसंद करते हैं तो श्रद्धा भावपूर्ण इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हुए कॉमेंट में आकर गेट वेल सून जरूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात पे कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।